अक्षय कुमार ने दिवाली से ठीक पहले अपने चाहने वालों को फिल्म लक्ष्मी का तोहफा दिया। इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की जबरदस्त जोड़ी और अक्की का ट्रांसजेंडर रोल दर्शकों को खासा पसंद आया है। ये पहली फिल्म भी बनी है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद पहली बार सिनेमा घरों का भी मुंह देख पाई है। इस फिल्म को कोरोना के कहर में चलते देश में भले ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, मगर इसके साथ ही ये फिल्म कई दूसरे देशों में सीधे सिनेमाघर में रिलीज की गई थी। अब विदेशों के सिनेमाघर से इस फिल्म को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श की माने तो इस फिल्म को विदेश में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में जहां 41 लाख रुपए की कमाई कर ली है, तो वहीं न्यूजीलैंड से फिल्म ने 28 लाख रुपए कमाए हैं। वहीं फिजी जैसे शहर में भी इस फिल्म ने अब तक 10 लाख रुपए के ऊपर कमाई कर ली है। इस हिसाब से ये फिल्म लगभग 80 लाख रुपए तक की कमाई कर चुकी है। इन आंकड़ों को कोरोना वायरस की कहर के बीच अच्छा माना जा रहा है। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर इस फिल्म को तमिल निर्देशक राघव लॉरेंस ने निर्देशित किया है। ये फिल्म सुपरहिट तमिल फिल्म कंचना की हिंदी रीमेक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस फिल्म ने व्यूअरशिप के मामले में सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म दिल बेचारा के रिकॉर्ड को भी पीछे कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म ने अब तक की सबसे बेहतरीन व्यूअरशिप हासिल की है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।